हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग है सिमी के बर्थडे का, तो 23 जुलाई का ब्लॉग है ये। हमने इस टाइम तक तो सब सारे काम निपट चुके थे, मतलब केक कटिंग हो गया है, बच्चों को खिला पिला के, बाकी बच्चे तो घर भी चले गए हैं, और इस टाइम तक कुछ बच्चे ही रुके हैं जो डांस वगैरह कर रहे थे। जो इनके जो बच्चे रुके हैं, ये लोग डेली बर्थडे के नीचे खेलते हैं, वही बच्चे हैं जो हमारे आसपास वाले। और जो किट्टू के भी फ्रेंड आए थे और सिमी के और भी कुछ फ्रेंड थे जो दूर दूर रहते हैं, उन लोग चले गए थे इस टाइम तक। तो इस टाइम मैंने खाना नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ तैयारी की है और बच्चों को बुलाए और केक वगैरह कटवाए और नाश्ता वगैरह खिलाए। नाश्ते में हमने रखे थे केला, समोसा, मिठाई, चॉकलेट, केक और मिक्सचर वगैरह दिए थे बच्चों को। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं खुद इतनी बिजी थी कि मैं कुछ भी शूट वगैरह नहीं कर पाई। इस टाइम मैं बैठी थी, तो चलो थोड़ा कैमरा उठा के थोड़ा सा वीडियो बना लिया इस टाइम। तो कुछ इस तरह सा था सिमी का बर्थडे सेलिब्रेशन। और बारिश, इतनी बारिश हो रही है इस टाइम कि कोई मेहमान आ भी नहीं पाए, इनके दादा दादी भी नहीं आ पाए क्योंकि बारिश ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, झड़ी टाइप का था। तो फिर कोई मेहमान नहीं आ पाए, तो हम बस यही, इनके बच्चों को तो बुलाना ज़रूरी रहता है, बच्चे लोग को, नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं। बच्चों की खुशी के लिए सब करना पड़ता है। तो फिर कुछ ज़्यादा खाना पीना में भी कुछ ज़्यादा नहीं करी क्योंकि कोई मेहमान आए ही नहीं थे, बस हम ही लोग थे। तो फिर मैंने मटर पनीर बस बनाया था और कुछ नहीं बनाया मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सॉरी, अभी और कुछ बोलना चाह रही हूँ मैं। तो सुबह सिमी उठ के तो स्कूल चली गई थी, तो स्कूल से आई उसके बाद बारिश हो रहा था, तो शाम को हम लोग मंदिर गए थे, सो गई थी, सो उठाई उसके बाद, और ये चॉकलेट जो स्कूल में बांटने के लिए लेके गई थी, और ये सुबह स्कूल जाने के टाइम का वाला पीक है। तो बताइएगा कैसे लगी मेरी।